हाँ जी, यह देखो, इसे हम कहते हैं दही की रस्म, जो दही चढ़ाया जाता है। सो ये वाली वो रस्म है। गुरदासपुर इलाके में जब भी कोई किसी के घर मैरिज होती है गली में, तो सारे जो लोग होते हैं वह बहुत चाह करते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। वहाँ के लोगों का बहुत फ़र्क है। पटियाला के तरफ तो जो लोग हैं ये तो इतना किसी का चाह करते ही नहीं, उधर बहुत फ़र्क है। सारे रल मिल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ जी दर्शकों, इस रस्म का तो आपको सभी को पता ही होगा। ये जो लड़के के मामा होते हैं वो पानी वारते हैं, पानी वारना इसे बोलते हैं। तो बाकी भी व्लॉग आप देखते रहिए, आपको हम सारा व्लॉग अच्छे से दिखाएंगे। आप इंटरेस्ट से देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और आप देखिए आगे। जहाँ पर हम थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे थे, और ये जो रस्म होती है ना हार पहनने वाली, ये बहनें जो होती हैं वो हार पहनाती हैं अपने भैया को। तो देखिए, ये एक बहन ने हमारी ने हार पहना दिया है, दूसरी खड़ी है। दोनों के नेम सेम ही हैं, एक ही नाम है, और देखी जाइए आप आगे। आगे हम आपको और अच्छे से दिखाएंगे। लो जी, यहाँ घोड़ी पर चढ़ गए, घोड़ी पर सवार हो गए हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की सीख। चलो, यहाँ पर घोड़ी है जो वो दाना फक्का खा रही है, उसको दाने दिए जा रहे हैं। तो अब देखिए, सारे रेडी हैं, अब गुरुद्वारा साहब जाएंगे नमस्कार करने के लिए। ये जो रस्म है, बहनें घोड़ी को वंगा बांधती है, वंगा कहते हैं इनको, और
आप गुरुद्वारा साहिब जाएंगे तो सारे रेडी हैं। देखिए आगे सारे कितने खुश हैं, हैप्पी हैप्पी। एंड अब जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, सारे रेडी, सारे उन्हें न्यू वस्त्र पहन के अपने अपने घरों से तैयार होकर आ गए। अब गुरु महाराज के दर पर पहुंच गए हैं, जो कि हमारा थानेवाल पिंड का गुरुद्वारा साहिब है। अब घोड़ी से उतरेंगे, रिंकू ब्रो हमें नीचे उतारेंगे और साथ में मीता था गुरमीत सिंह। अब अंदर चले गए हैं दरबार साहिब के नमस्कार करने के लिए। नमस्कार करी, अब सारे बारात के लिए जाएंगे, सारी बारात जाएगी क्योंकि वहाँ भी हमारी वेट हो रही है। गाड़ी रेडी है हमारी और भाई सहजप्रीत सिंह हमारे ब्रो छोटे वो गाड़ी लेकर आ गए हैं, तो अर्श भी खड़ा है एंड साथ में अमन था। अब रेडी होकर सारे चल पड़े हैं, लाड़ा की गाड़ी चल पड़ी है आगे, जे पीछे पीछे गाड़ियां जा रही है। ये एसेंट गाड़ी है, इसमें बाबा जस्सा सिंह, मनप्रीत सिंह, गुरमीत सिंह, कुमिंदर सिंह सारे बैठे हुए हैं और अब रवाना हो चुके हैं। तो जा रहे हैं सारे, अभी ये हमारे बब्बे हाली वाला अड्डा आ चुका है। यहाँ जो बाग है, जो बहुत पुराना बाग है, ये देखिए अमरूदों का। तो जा रहे हैं, अब रास्ते में हैं सारे, रोड पर पड़ चुके हैं, तो चलो देखते हैं आगे आगे। On that beat, going crazy.
तो लो जी, हम गुरुद्वारा साहब पहुंच गए हैं एंड यहाँ थोड़ा सा कोक वगैरह पीएंगे, फिर अंदर आनंद कार्यों के लिए जाएंगे। सो देखिए आप आगे इंटरेस्ट बना कर देखो, वो लारा साहब भी उतर चुके हैं। तो जहाँ पर हम आनंद कार्य नहीं दिखा रहे, आनंद कार्यों की वीडियो हम काट कर वक्री डाल देंगे, वो तुमने देख लेना। यहाँ पर हम पैलेस के बीच पहुँच चुके हैं और देखिए सारे चाय वाय पी रहे हैं, पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, गुलाब जामुन एंड पेस्ट्री वगैरह। और अब देखिए मिलनी वगैरह होगी, मिलनी वाली जगह आ चुके हैं। तो ये तो एंट्री है मुझे लगता, हाँ अंदर की एंट्री करेंगे अब। तो यहाँ पर सारे पिक्स वगैरह ले रहे हैं, तो बाकी हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं अब। इसका तो सबको पता ही है रस्म का, रिबन कटाई होती है, वो हमारी सारी जो सालिज है वो नाका लाए खड़ी हैं सारे। तो बीच हमारे भाभी जी भी खड़े हैं एंड तो देखिए अब हम रिबन काटेंगे, तो देखते रहिए, देखिए आगे आगे देखते रहना, हम आपको अच्छे से दिखाएंगे अच्छे से। तो देखिए अभी ये रस्म हो रही है, तो यहाँ ये सगन भी मांगेंगी, अब देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो सबका चलता है। तो अब देखना हम रिबन काट देंगे और एंट्री के लिए जगह बनाएंगे अंदर एंड बाकी तुम देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे वीर एंड मेरे भाइयों। और
देखते रहिए, और भी हमारी वीडियो जो नेट पर पड़ी रहती है उनको देखा करो, सुना करो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करा करो। कैसे जीवन बदल जाता है पता ही नहीं चलेगा आपको। तो बाकी देखते रहा करो, शेयर भी करा करो, शेयर ताँ जो दूसरों तक वीडियो पहुंच सके। आपके चरणों में रिक्वेस्ट है हमारी, शेयर कर दिया करो और लाइक कर कर सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल, एंड शेयर ज़रूर करा करो। ये देखो हमारे सारे मित्र हैं, सुचेत, अर्श भाई, सतनाम सिंह जी जो थाने वाले के ग्रंथी सिंह जी हैं, उधर लवप्रीत सिंह खड़ा था, धोनी था, एंड ये सारी वहाँ की लेडीज़, एंड मनप्रीत सिंह, गुरमीत सिंह, अमनप्रीत सिंह एंड हरजाप सिंह, ये सारे हमारे मित्र थे। एंड देखिए पकौड़े खा रहे हैं, आगे आगे देखते रहना। वो इधर गोपी भी बैठा है, मुझे लगता गुरप्रीत सिंह गोपी, वो हरगुण बैठी है। चलो बाकी देखते रहना। रिंकू भाई है, ताया जी हैं बीच, और मम्मी के मामा जी बैठे हैं, हरमन बैठा, देखो गुरसेवक भाई बैठा हमारा, एंड इधर शायद मामा जी बैठे हैं, वो अरमान के मामा जी हैं, बहुत नाइस हैं। एंड बाकी देखते रहो तुम सारे। ये हैरी के मामा एंड जनशन के मामा एंड वजीर चक वाले, तो ये आपको पता ही है हमारे दोनों नानीज एंड मौसी जी बैठे हैं, मॉम बैठे हैं, रजी मासी बैठे हैं, जे मामी जी एंड भाभी जी बैठे हैं, इधर अरमान बैठा है, तो शायद इधर की तरफ हम भी दोनों बैठे हैं। तो चाय पानी चल रहा है अभी, तो देखते जाइए। ये देखो हम भी बैठे हैं सारे और पकौड़ा खा रहे हैं एंड चाय पानी पी रहे हैं। तो बाकी देखते जाइए, देखते जाइए। बाकी लोग सारे बाहर हैं ज़्यादातर, धूप में, ठंड थी ना इसलिए। अब देखो स्टेज के लिए रवाना हो रहे हैं एंड चलो, ये थोड़े उन्होंने पोज लिए थे हमारे तो कैमरामैन ने, तो ये पोज देकर हम कुर्सी पर, चेयर पर जो बैठ जाते हैं वहाँ, फिर सारे अपनी अपनी बारी अनुसार सघन देंगे। तो आगे आगे देखिए, अब हम थोड़ी सी स्किप कर देते हैं, तो पहले बैठने दो इनको, बैठ गए। वारी सीमा बेबी एंड अरमान बेबी बैठे हुए हैं, जो शेख सैज एंड चलो उठ गए जे भी। सैज बहुत सुंदर लग रहा था उस दिन, पर्सनैलिटी। ये हमारे समार सारे ब्रो हैं, दो तीन मित्र भी हैं इनमें, ज़्यादातर द ब्रो ही हैं हमारे सारे। तो देखिए देखिए, हर्ष नीचे बैठ गया था, लब्बू फ़ोटो खींच रहा है, इसके पास आईफोन था उस वक्त। जे सेव, हरमन, अमन दोनों सैम हिंस एंड अरमान। तो बाकी देखते जाइए, सारी संगत आ गई है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे हम स्किप कर देते हैं सारी वीडियो। तो बाकी देखते जाइए। ये देखो भंगड़ा भी कर रहे हैं, तो मनी ने बहुत भंगड़ा करा था, तो इन्होंने तो नागन डांस भी किया था, तो सारों ने भंगड़ा पाया, क्योंकि ये हमारे जो भी फ्रेंड है सारे, ज़्यादातर इन्हों में से सारों को भंगड़ा आता है और सीखते हैं, इनकी क्लासें लगती हैं इनके स्कूल कॉलेजस में। एंड तो जो और हमारा अरमान है ना, वो भी भंगड़ा बहुत सिरप करता है
एंड बाकी जो देखिए आगे आगे होता है हम आगे स्किप कर देते हैं, तो आगे आपको नहीं दिखाएंगे, आपने देखा ही होगा। तो ये तो सगन वगन जा सो देते हैं, इसलिए हम स्किप कर देते हैं। Thank you.
यहाँ आपको पता ही है। अब रवानगी की बारी है, डोली तोड़ेंगे तो लड़की रो रही है, आपको पता ही है, रोने लग जाती है लड़की, फिर तो वो रोना तो पड़ता ही है। तो चलो कोई बात नहीं, सब लड़कियाँ रोती है, तो चलो अब जाने की तैयारी है पूरी। तो शाम के मुझे लगता 6:30 का टाइम हो चुका है, तो चलो अब घर चलते हैं। तो जी अभी थोड़ा सा मिलना है, तो फिर चलते हैं हम। अभी हम फतेह बुला देंगे सबको और गाड़ी में बैठ जाएंगे। गाड़ी में हमारे साथ नानी जी बैठे थे एंड दोनों सैमीज एंड दो तीन जाने और थे, तो हम दोनों थे, बाकी सब अपनी अपनी गाड़ियों में थे। एंड चलो अब डोली में बैठ जाएंगे। तो सब ने मिल लिया, सब दीदियों ने, भाभियों ने, मॉम डैड ने एंड लव, सब ने मिल लिया है। तो चलो अब रवानगी होगी, गाड़ी में बैठते हैं, वो देखना अब फतेह बुला देंगे। जो सरदार गुरसिमरन सिंह हैं वो अब फतेह बुला देंगे, तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। अब जाने के लिए घर को काले पड़ रहे हैं थोड़े से, वो देखो हरसीरत तब बिल्कुल छोटी जी सी, कितनी छोटी है हरसीरत, अब तो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अब वो देखो अब फतेह बुला दी सरदार गुरसिमरन सिंह जी ने, अब गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो फिर अब चलते हैं। चलो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से तो कार्य सारा समाप्त कर कर हम चलते हैं। अरमान भी हमारे साथ बैठेगा, तो सारे बैठे थे, चलो चलते हैं फिर अब। चलो जी, डोली चल पड़ी है, तो इसके पीछे ही सारी गाड़ियां आ जाएंगी। तो पहुंच गए थानेवाल में, जहां हमने बचपन बताया है, देखिए हमारा घर। तो यहां सारे आ जाएंगे। वो मणि मीता धोनी ने एंट्री ठोक दी है एंड शायद पीछे हम आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। वो देखो मामा जी एंड सारे ब्रो, सारी फैमिली आ रही है एक सब की, एंड नानी जी आ रहे हैं। तो ये कुछ सरदार गुरसिमरन सिंह जी, गुरसेवक सिंह जी से बात करते हुए नज़र आए एंड सहजप्रीत सिंह, जो कि उस दिन बहुत सुंदर लग रहे थे। तो देखिए आ रहे हैं अब, तो जहाँ से हम थोड़ी सी काट देते हैं। चलो अब देखिए, अब जो मोम पानी वारते हैं वो समा आ चुका है, पानी वारेंगे। माए मीन्स जो माँ है वो पानी वारती है, वो देखो तो पानी वार रहे हैं, पीछे नानी जी हैं एंड सारा हमारा टब्बर खड़ा है, ऑल टब्बर। तो देखिए थोड़े से फनी मोमेंट्स में सरदार गुरसिमरन सिंह, और थोड़ी सी कलगी हिल गई थी इनकी। एंड चलो अब चलते हैं थोड़े टाइम के बाद अंदर, और ये सारे बॉयज़ एंड चलते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे लगता भंगड़ा भी करना है, भंगड़ा तो इन्होंने 12 बजे, पूरे 12:15 बजे डीजे बंद करा था। तो हमारे उधर वैसे ही चलता है। तो अब देखो वो बर्फ़ी खिला देंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये कार्य भी समाप्त हो गया। चलो जी अब चलते हैं, यहाँ कोई फ़नी बात हुई थी उसके लिए हम सारे हंस पड़े, एंड वो मैंने ही करी थी वैसे तो बात, यहाँ नहीं बताऊँगा आपको। तो चलो अंदर एंट्री हो चुकी है, तेल चो दिया हुआ है उन्होंने। तो अब देखिए जा रहे हैं, एंटर हो चुके हैं घर में, और
देखिए देखिए देखिए, अब मुझे लगता सारे बॉयज़, सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ एंड मैंस सारे भंगड़ा करेंगे। तो देखो सारे बच्चे भी लगे हुए हैं, तो आगे इतना ही, बाकी हम। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो हमारी रियल वीडियो थी ना मैरिज वाली, वो बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। उसमें सॉन्ग वगैरह लगाए गए हैं, मतलब जैसा भी माहौल होता वैसा पंजाबी सॉन्ग लगाए गए हैं, हिंदी सॉन्ग भी लगाए गए हैं उसमें। तो हम अगले व्लॉग में आपको वो जो सगन पड़ता है वो भी दिखाएंगे। वो आपने देखी नहीं होगी क्योंकि वो मैंने नेट पर हमने डाली नहीं वीडियो, वो आपको दिखाएंगे। तो ये देखो इन्जॉय कर रहे हैं सारे। तो 12:30, 12:15 इन्होंने बंद किया था, 8 बजे चालू किया था डीजे। तो फिर हम 1-2 बजे रोटी वगैरह खा के सारे सो गए सन। तो देखिए सारे भंगड़ा कर रहे हैं। तो चलो सारे हैप्पी हैं। सो आगे मैं थोड़ी सी ट्यून डाल देता हूँ। तो चलो ठीक है, मैं तो यहाँ ही फतेह बुला देता हूँ आपको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
यहाँ देखिए जो मनी सिंह है मनप्रीत सिंह, तो यहाँ नागिन डांस किया था इन्होंने, वो देखो कैसे इन्होंने हंसाया था सबको। तो देखो कैसे नाच रहे हैं, जैसे श्रीदेवी नाचती है नागिन फिल्म में तो बिल्कुल वैसे। वो देखो हमारा आगे मक्खन भी बैठा है, मक्खन सपेरा बनकर। तो ये देखो मनी कैसे नाच रहा है, और ये सारों ने बीनों बना ली है, अरमान ने बीन बना ली है रुमाल की। तो अब देखो कैसे नाच रहे हैं, तो ये नागन बन रहे हैं नागन। चलो सारे नाग बन गए, तो चलो ठीक है फिर, बाकी आगे देखिए। Thank you.